हेलो फ्रेंड्स, कूडकला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लास्ट मिनट में आप राखी के लिए एक सुंदर सी थाली कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक थर्माकोल लिया, लगभग एक इंच उसकी चौड़ाई है। जितनी भी बड़ी आपको थाली बनानी है उसके अनुसार आप एक उसका मेज़रमेंट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर प्लेट से नाप के उसको कटिंग कर ली है, उसी के साइज़ का हमें कार्डबोर्ड कट करना है। ये हमारे थर्माकोल और कार्डबोर्ड जो है वो कटिंग हो गई है। अब हम इसको चिपका रहे हैं। यहाँ पर मैं ग्लू गन से चिपका रही हूँ, आप चाहें तो फेविकोल से भी इसको चिपका सकते हैं। अब ये मैंने एक कॉटन फैब्रिक लिया है, इसको भी इसके नाप से थोड़ा बड़ा काट लिया है और इसको हम थर्माकोल वाली साइड से इसके ऊपर चिपका देंगे। और ये देखिए साइड में इस तरीके से सीज़र से हल्का हल्का सा कट करके और इस तरीके से हम इसको साइड में चिपका देंगे। ये देखिए चिपकने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम इसके जो हमें कटोरियाँ बनानी हैं, आप चाहें तो मार्केट में गोल्डन कलर की कटोरियाँ भी आती हैं, पर यहाँ पर मैं बिल्कुल घर में जो भी सामान है उससे ही इसको बना रही हूँ। तो ये बॉटल के ढक्कन मैंने लिए हैं और उनको कलर करके सूखने रख दिया है। ये एक फैंसी शीट ली है, इसको भी हम उसी प्लेट के साइज़ का मार्क कर लेंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको भी हम थर्माकोल पर चिपका देंगे ग्लू गन की हेल्प से। फेविकोल से भी आप इसको चिपका सकते हैं। ये देखिए ये हमने इसके ऊपर चिपका दिया। अब ये मैंने एक लेस ली है, थोड़ा सा इसमें ऊपर को ट्रायंगल से बने हुए हैं। इस तरीके की आप कोई भी लेस ले सकते हैं और उसके साइड में इसको चिपका सकते हैं। अगर आपके पास घर पर कोई लेस है तो आप वो भी इस पर चिपका सकते हैं। इसके चिपकाने के बाद ये देखिए साइड में से अभी नीचे से ये हमारा प्लेन कपड़ा दिखाई दे रहा है, इसको कवर करने के लिए यहाँ पर मैं एक दूसरी लेस भी चिपका रही हूँ। अगर आपके पास कोई इतनी चौड़ी लेस है जो इस पूरे को कवर कर ले तो आप एक सिंगल लेस से ही ये काम आपका हो सकता है। इसको कवर करने के बाद अब जो बॉटल के ढक्कन थे वो भी सूख गए हैं, उसके ऊपर भी मैं यही वाली लेस को एक बार लगा रही हूँ। ये देखिए इसको कवर हमने कर दिया और इसको सूखने के लिए रख दिया। अब जो हमारी ये थाली है इसमें ऊपर की तरफ किनारों पर अभी थोड़ी फिनिशिंग कम लग रही है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक गोल डोरी जो है वो लगा रही हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी लेस है जो आराम से मोल्ड हो जाए आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए पूरे पे लगाने के बाद हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी कटोरियाँ लगानी है। इसके ऊपर मैं एक गोटा पत्ती की लेस लगा रही हूँ, थोड़ा ऊपर को वो उठी हुई दिखाई देगी जिससे कि ये और सुंदर हमारा कटोरियाँ जो हैं वो और सुंदर लगेंगी। उस लगाने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी ये हमें बॉटल जैसा ढक्कन ही लग रहा है, तो इसको छिपाने के लिए और इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक गोटा पत्ती का फ्लावर लगा रही हूँ। ऐसे हमें अपनी ये दोनों कटोरियाँ तैयार कर लेनी है और इसमें बहुत आराम से आप अपने रोली और चावल रख सकते हैं। ये रखने के बाद अब हम जो जगह हमने छोड़ी थी थाली में वहाँ पर हम इसको ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे। ये देखिए ये थाली इतनी आसान है कि आप इसको लास्ट मोमेंट पे भी राखी से पहले दिन आधा घंटे के टाइम में भी बना सकते हैं। ये मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर और एक गोल्डन कलर की लीफ ली है और इसको आपकी मर्जी है आप कहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं। मैंने थोड़ा सा साइड लिया है ताकि एक साइड हमारी ये डेकोरेशन दिखाई दे और दूसरी साइड हम अपने टीके लगाने की जो स्टिक बनाएंगे वो हम रखेंगे और बीच में हम राखियाँ रख सकते हैं। अब हम टीके की स्टिक बनाएंगे। टीके की स्टिक बनाने के लिए ये देखिए ईयरबड एक ली है मैंने और उसका एक साइड का पार्ट हमने कैंची से काट दिया है। इसके ऊपर गोटे को हम इस तरीके से ग्लू गन लगाकर उसको इस तरीके से लपेट लेंगे। ये देखिए पूरा लपेट लेंगे। आप जिस कलर कॉम्बिनेशन का बनाना चाहें उस कलर कॉम्बिनेशन का इसको बना सकते हैं। गोल्डन गोटा अगर नहीं है तो आप इस पर रिबन वगैरह भी लगा सकते हैं। ये हमने गोटे को ईयरबड को जो है गोटे से कवर कर लिया, ये ऐसा दिखाई देगा। अब ये देखिए ये मैंने एक होलो सर्कल टाइप का लिया है, ये तो बाजार का है, मार्केट से लिया हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इतना छोटा एक गत्ते का पीस काटिए, उसके बीच में एक छोटा सर्कल बनाइए और उसको पेपर कटर की हेल्प से अलग कर दीजिए, तो आपका ऐसा ही एक शेप तैयार हो जाएगी। और उसको फिर आप सेम ऐसे ही प्रोसीजर से बना सकते हैं जैसे कि ये मैं बना रही हूँ। देखिए इसमें मैंने वाइट कलर का एक रिबन काट के और उसको अंदर की तरफ से निकाल के इस तरीके से इसको पूरा लपेट लिया है। यहाँ पर मैं वाइट, क्योंकि मैंने वाइट फ्लावर लगाया है तो इसलिए मैं यहाँ पर वाइट कलर का रिबन ले रही हूँ बेस में। आप चाहें तो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इस तरीके से ये हमने इसको पूरा का पूरा कवर कर दिया है रिबन से। जब आपका गत्ता कवर हो जाएगा तो वो भी ऐसा ही दिखाई देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें प्लास्टिक है या फिर गत्ता है। अब इसके ऊपर हम इसी तरीके से गोटे को लपेटेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर।
एक बार ऐसे चिपकाया और फिर अंदर से उसको निकाल के ये देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको लपेट देंगे। लपेटने के बाद एंड इसका अच्छी तरीके से चिपका देंगे और ये हमारा इस तरीके से एक सर्कल तैयार हो जाएगा। अब जो हमने गोटे की ईयरबड की जो गोटे वाली स्टिक हमने तैयार की है उसको यहाँ पर चिपका देंगे। इसको चिपकाते हुए थोड़ा सा इसको सीधा रखें, हाँ जी ऐसे इसको सीधा रखना है। अब ये इसके बीच के होलो सर्कल को भरने के लिए मैंने एक छोटा पॉम पॉम लिया है और उसको इसके अंदर मैं फंसा दूँगी। ये देखिए फंसाने के बाद अब क्योंकि हमने एक साइड में इसके फैदर्स चिपकाने हैं तो अब आप कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए आपको कौन से कलर का चाहिए। यहाँ पर मैंने येलो कलर के फैदर्स लिए हैं और उनको इसके ऊपर चिपका दिया है। अब क्योंकि ये जो फैदर्स हमने चिपकाए हैं इनकी भी डंडी दिख रही है और नीचे जो हमने ईयरबड लगाई है उसकी भी डंडी दिख रही है तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पर मैं एक गोटा पत्ती का फ्लावर लगा रही हूँ। अब ये देखिए एक मैंने थोड़ी फैंसी लेस ली है और उसके अंदर से ये छोटे छोटे फ्लावर्स बने हैं उनको कट करके ये मैंने दो फ्लावर्स निकाल लिए हैं। एक फ्लावर को हम इस गोटा पत्ती के फ्लावर के ऊपर पेस्ट कर देंगे और दूसरे फ्लावर को हम इस पॉम पॉम के ऊपर पेस्ट कर देंगे और ये हमारी टीके की स्टिक तैयार हो गई है जिसको आप रोली में लगाकर अपने भाई को आराम से टीका कर सकते हैं। और अब देखिए इस जो हमारी ये टीके की स्टिक है इसको हम उस थाली में रख देंगे और हमारी ये पूरी राखी की जो है थाली तैयार हो गई है। अब बस केवल इसमें राखी रखनी बाकी है। तो देखिए राखी रखने के बाद ये कितनी खूबसूरत लग रही है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।